अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है डिजिट कैड एंड कंस्ट्रक्शन। आज के इस वीडियो में आपको एक ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का प्लान, ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल और फर्स्ट फ्लोर पे रेजिडेंशियल हाउस प्लान है ये। तो एक क्लाइंट की क्लियरली रिक्वायरमेंट थी कि ग्राउंड फ्लोर पे उनको शॉप्स वगैरह सेट किए जाए, क्योंकि वहाँ पे वो शॉप्स वगैरह सूटेबल है उस लोकेशन के हिसाब से। तो ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल और फर्स्ट फ्लोर पे रेजिडेंशियल बनाना चाहते हैं, और वो रेंट पर्पज़ के लिए भी दे सके, इतना ऐसा इजी ऊपर का पोर्शन हो ताकि फ्लोर बाय फ्लोर किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, उस हिसाब से ये प्लान सेट करने के लिए कहा। तो उन्हीं के हिसाब से ये प्लान बना है। तो ये 25/40 में ये प्लान मैंने बनाया है एज़ पर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलिए डायरेक्टली आपको प्लान शो करता हूँ। प्लान शो करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपसे मिस ना हो। अगर आपको कोई पर्सनली प्लान वगैरह बनाना हो तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। प्लॉट की डिटेल्स और रिक्वायरमेंट क्लियरली बता दें तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपका प्लान बनाकर ज़रूर शो करूँगा। पर्सनली प्लान के लिए कुछ नॉर्मल से चार्जेस है, वो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। तो ये प्रेजेंट एक ग्राउंड फ्लोर का प्लान आप देखिए। ये प्लान ऑलरेडी मैंने ग्राउंड फ्लोर का प्रीवियस वीडियो में शो किया है, बस आपको एक शॉर्ट लिस्ट को शो कर रहा हूँ ताकि आप इसमें डायमेंशन वगैरह शॉप्स वगैरह आप देख लें। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर का प्लान आपको मैं शो करूँगा जो मैंने जो 2 BHK सेट किया है फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे देखिए, फ्रंट साइड मैंने 3 फीट का जो है कुछ स्टेप्स वगैरह अपने ही प्लॉट के इनसाइड ले लिया है, रिमेनिंग 37 फीट बचा है। तो यहाँ पे शॉप्स वगैरह है, आप इसके डायमेंशन में देख सकते होंगे। आपको इसमें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने कर दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देखो। मैंने काफ़ी डिटेल में इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ से आउटर से आउटर 25 है, ये 37 प्लस वो 3 फीट, तो ये 25/40 का ये प्लॉट है। तो यहाँ पे मैंने स्टेयर्स लिए हैं बैक साइड, और यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड फ्लोर का हो गया। अभी यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर का प्लान मिलेगा, जैसे कि मैंने कहा है कि 2 BHK मैंने सेट किया है। तो स्टेयर से डायरेक्टली ऊपर आने के बाद में आपको एक लॉबी मिलेगी जो 5 फीट 9 इंच की क्लियर लॉबी मिल रही है। इस लॉबी में आपको सिट आउट में जाने के लिए एक वे है, और यहाँ पर मेन डोर में मेन हॉल में आने के लिए भी एक मेन डोर है आपको डायरेक्टली। सिट आउट का डायमेंशन में देखिए, 9 फीट बाय 10 फीट का आपको सिट आउट मिल रहा है, और यहीं पर लॉबी में इसका विंडो लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर डक लिया है तो इस तरफ से इसका वेंटिलेशन जो भी हो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये क्लाइंट के हिसाब से बना है। ये पूरी जगह उनको यूज़ करना था तो उन्हीं के हिसाब से मैंने पूरी जगह यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक डॉट डॉट जो देख रहे हो ये आर्च है, डायरेक्टली आप हॉल में भी आ सकते हो सिट आउट से। हॉल देखिए, हॉल का डायमेंशन 14 फीट 3 इंच, जैसे में 14 फीट 6 इंच का आपको ये हॉल मिल रहा है काफ़ी कम्फर्टेबली। लॉबी में से भी डायरेक्टली आपको यहाँ पर आपको एक डोर मिल रहा है जो 3.5 फीट का है, डायरेक्टली आपको हॉल में आने के लिए भी है। तो इस हॉल में से आपको इस तरफ डोर लग रहा है, इस तरफ आर्च है जो बेडरूम में जाने के लिए वे है। इस तरफ का बेडरूम देखिए, यहाँ पे 9 फीट बाय 11 फीट का आपको ये बेडरूम मिल रहा है। इस बेडरूम में मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा वार्डरोब लिया है इस साइड, और यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे एक डक लिया है मैंने ताकि इस हॉल का इस बेडरूम का वेंटिलेशन इसी डक से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे भी हॉल का ये विंडो है, उधर यहाँ पे बेडरूम का ये विंडो है, और यहाँ से आर्च से इंसाइड आने के बाद में आपको किचन में, बेडरूम में और कॉमन WC बाहर जाने के लिए एक वे मिल रहा है। इस तरफ का जो बेडरूम है ये 9 फीट बाय 10 फीट का आपको ये बेडरूम मिल रहा है, और इस बेडरूम को लग के यहाँ पे बालकनी मिल रही है जो 3 फीट मैंने स्टेप्स के लिए मैंने इनसाइड लिया था। ऊपर क्या है, मैंने कैंटीलर लेके उसको यूज़ किया है। तो यहाँ पे इसका विंडो है फ्रंट साइड, और यहाँ पे एक बात है जो 4 फीट बाय 6 फीट का आपको मिल रहा है, और यहाँ पे एक आर्च है डायरेक्टली आपको किचन में आने के लिए, जो 10 बाय 10 का किचन मिल रहा है आपको। इस किचन में यहाँ पे मैंने विंडो लिया है, इस तरफ किचन प्लेटफॉर्म लिया है मैंने, और यहाँ पे एक डोर भी है जो आपको यूटिलिटी में आने के लिए है, और इस तरफ यूटिलिटी में से ही मैंने WC का एक डोर दिया है क्योंकि मैंने इसको सेपरेट किया है, अटैच नहीं किया है, क्योंकि क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट थी कि थोड़ा सेपरेट ही हो बात और WC। तो उन्हीं के हिसाब से ये बना है, जो काफ़ी बढ़िया कंफर्टेबली प्लान सेट हुआ है एज़ पर उनके रिक्वायरमेंट हिसाब से भी। प्लॉट का साइज जो भी है उनको पूरा यूज़ करना था, मैंने उनको पूरा यूज़ करके नीचे कमर्शियल और ऊपर रेजिडेंशियल मैंने बनाया है।
एक बार मैं आपको जूम आउट करके भी शो करता हूँ स्क्रीन पर, आप इजीली इसको देख सकते हो कि ग्राउंड फ्लोर पे मैंने क्या सेट किया है और फर्स्ट फ्लोर पे मैंने क्या सेट किया है। तो काफ़ी कंफर्टेबली बना है प्लान। इसमें आपको दो बेडरूम, हॉल, किचन, सिट आउट, बाथ वगैरह सब सेपरेटली मिल रहा है आपको। तो काफ़ी कंफर्टेबली ये प्लान बना है। उम्मीद है ये भी आपको प्लान ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने पे इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, जिसका नाम है डिजिट कैडन कंस्ट्रक्शन। अगर आपका कोई भी प्लान वगैरह बनाना हो तो मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करें ताकि आपके प्लान ईजिली बन सकें एज़ पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही बताना चाहता था आपको इस वीडियो में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्लान के साथ, कुछ नए डिटेल के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।